सो आज के दिन को हम कभी नहीं भूलेंगे, हमेशा याद रखेंगे आज के दिन को। जो आज के दिन को ही मुझे 1K सब्सक्राइबर मिला है, जो दिलों दिल से मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन दिखा नहीं सकते, मुंह पे बयान नहीं कर सकते कि इतनी खुशी थे मैं आज। लेकिन क्या पता हमारे यहाँ के लोगों को कि सोशल मीडिया के बारे में, मैं किसी से 10 अप्रैल को पूरा हुआ था से बता नहीं सकते थे, किसी को जाकर मैं बता नहीं पाते थे कि समझ में ही आएगा नहीं लोगों को कि ये चीज़ क्या है। ये वीडियो मेरा पिछले 10 अप्रैल 2022 यानी कि 5 संडे के दिन के थे, जिस दिन मेरा 1K यानी कि 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वाचिंग आवर पूरा हुआ। जब से मैंने यूट्यूब पे सीरियसली काम करने स्टार्ट किया है, तब से जिस वक्त मैंने स्ट्रगल किया है, उस वक्त के हर पार्ट की वीडियो क्लिक मेरे पास है आज तक। नमस्कार दोस्तों, वांचो मीडिया यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करते हैं और मैं हूँ तावा महाजन। जो पिछले 2 सालों से मैंने यूट्यूब पे चैनल खोला, जिसके बाद कुछ महीनों तक मैंने छोड़ दिया। इसके बाद पिछले 7 महीनों से मैं, यानी कि आज से एक सालों से मैंने सीरियसली काम करना स्टार्ट किया, जिसका पार्ट मेरे एक पार्ट की जो वीडियो क्लिक है, जो मैंने जिस तरह से स्ट्रगल किया ये व्यूज़ गेन करने के लिए, 1K सब्सक्राइबर तो पहुंचने के लिए और चैनल मोनेटाइज होने तक का हर एक पार्ट की वीडियो क्लिक मेरे पास है, जो आज हम आप लोगों के सामने खुलासा करेंगे। जो मैंने आज तक 1K सब्सक्राइबर का वीडियो भी नहीं बना पाया, जो हर कोई बनाते हैं 1K सब्सक्राइबर के बाद सेलिब्रेशन वीडियो हर कोई मनाते हैं, लेकिन हम आज तक नहीं बना पाए, इसका भी एक कारण है जो आगे हम बताएंगे। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज 365 डेज बाद फाइनली मेरा चैनल को 1K सब्सक्राइबर मिला है, और साथ ही साथ आज 5 संडे हैं, 5 संडे का दिन में मुझे 1K मिला, तो बहुत लकी। 1K सब्सक्राइबर और 4000 वाचिंग आवर का जो सेलिब्रेशन वीडियो बनाएगा सोच के मैंने, उस दिन को ही मैंने वीडियो इंट्रो कर चुका था, लेकिन उस दिन मैं बहुत ही इमोशनल था, दिल में बहुत ही खुशी भी थे और बहुत दुखी भी थे इस बात को लेकर कि मेरे पास कोई फाइनेंशियल नहीं थे, जो जिस तरह मैं अपने चैनल को आगे ले जा सकूँ। नेटपैक ढालने तक का पैसा नहीं हुआ करता था, 2 साथी भाई से मांगकर मैं नेटपैक ढाला करता था, फिर वीडियो अपलोड करता था, और आज भी इसी तरह मैं कभी कभार मांगा करता हूँ। जो लोग अभी सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, उनको अच्छी तरह से पता है कि जब 1K सब्सक्राइबर और 4000 वाचिंग आवर का जब पूरा कंप्लीट हो जाता है, आपको कंपनी से, यूट्यूब कंपनी से जब मैसेज आता है, तो कैसा लगता है, जो महसूस कर पाना मुश्किल है, इतनी खुशी होती है उस दिन। जो अभी यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, आप सभी को पता है, लेकिन उस दिन मैं बहुत खुश भी थे और इमोशनल भी थे कि हमारे यहाँ सोशल मीडिया के बारे में किसी को कानो कान पता नहीं है अभी तक, जो नेटवर्क का प्रॉब्लम वजह से, और डिजिटली यहाँ पे बहुत लेट आए, इसलिए हमारे लोगों को ये सब के बारे में पता नहीं थे। और मैं ये शेयर करने के लिए एक किसी को शेयर नहीं कर सकते थे, जिस दिन मेरा इतनी खुशी का दिन थे, जिस दिन मेरा 1K सब्सक्राइबर हुआ, किसी से मैं ये बातें शेयर नहीं कर पाते थे, इसको लेकर मैं बहुत दुख हुआ। और साथ ही मेरे पास कोई सेलिब्रेशन मनाने के लिए कोई फाइनेंशियल नहीं थे, जिस कारण मैं बहुत इमोशनल था, लेकिन खुशी भी थे उस दिन। तो आज मुझे 3 सालों बाद ATM मिला, और इस खुशी में मैंने अभी 500 रुपये अभी निकला है यात्रा, और इसी से हम 1K का सेलिब्रेट करेंगे आज। मेरा ATM खराब हो गया था, 3-4 साल तक मैंने बिना ATM का ही ऐसे ही चला, लेकिन YouTube में काम करने के कारण में मुझे ATM ज़रूरत पड़ रहा था, जिस कारण मैंने अप्लाई किया। अब वो ATM भी उसी दिन आया जिस दिन मेरा 1K सब्सक्राइबर और 4000 वाचिंग आवर गेन हुआ, ये तीनों चीज़ एक दिन एक साथ हुआ, और मैं यहाँ से कानोबरी भागा भागा चला गया और वहाँ गया। जो मेरा
एकदम लास्ट मनी थे 500 वो निकाला मैंने, सोच के कि 1K सेलिब्रेशन मनाएंगे, सोच के मैंने 500 जो थे वो निकाला, लेकिन बहुत कम पड़ गए थे वो। 500 से मैं अपना 1K सेलिब्रेशन वीडियो नहीं बना सकता था, बहुत कम पड़ गया था ये 500 रुपये, और आज तक नहीं मना पाया। खैर, ईश्वर जो भी करता है अच्छा के लिए करेगा, यही भरोसा करूँ। टेंटेशन जो अच्छा के लिए होता है, ताकि आगे मुझे कुछ तकलीफ ना हो, इससे कुछ सीख मिल जाए, इसलिए शायद मेरा सब टेंटेशन हो रहा है शायद। वैसे भी अभी यहाँ से थोड़ा मदद मिल सकता था, बहुत सी जगह मैंने व्हाट्सअप किया, लेकिन कोई पॉजिटिव रिप्लाई नहीं मिला है। अंदर ही अंदर बहुत दुख रहा हूँ मेरा दिल। जो लोग मुझे मदद कर सकते थे वो लोग भी दूर हो गया, अभी अकेलापन हो गया हूँ मैं, क्या करूँ। इस कारण मेरा वीडियो लेट आ रहा है, अभी देखिए ना, इसके बाद मुझे आगे और वीडियो बनाने में कहीं जाना है, उसके लिए खर्चा पानी से होता है, लेकिन जेब में रुपये नहीं है। इस कारण से मैं अभी घर पर ही रहा हूँ, बहुत दिन हो गया है। गैस, आप लोग कभी भी रुपया पैसे के साथ तमाशा नहीं करना है। हा? पैसा ऐसा चीज़ है, पैसा एक भगवान के रूप में भी है, एक शैतान के रूप में भी है। अगर आप अच्छा से इस्तेमाल नहीं करोगे, आपको बर्बाद भी कर देगा, चाहे आपके पास क्यों ना करोड़ रुपया हो। अगर आप अच्छा से इस्तेमाल करोगे पैसों को, 10 रुपये से भी आपका ज़िंदगी अच्छा से गुजरा कर सकता है, यानी कि 10 रुपये से नहीं बल्कि उससे कुछ आगे बढ़ने की रास्ता आपको दिखाई मिलेगा। इसलिए पैसों को सर तमाशा नहीं करना है। 2 साल पहले मैंने भी बहुत रुपया, लाखों रुपया मैंने भी कमाया था, लेकिन मैंने बहुत इन्जॉय किया है पैसों के साथ। इसलिए शायद मेरा साथ यही दो अभी पनिशमेंट मिल रहा है कि मेरा कोई इनकम नहीं हो रहा, अभी कहीं से भी मदद नहीं मिल पा रहा है। मेरे आधी उम्र निकल गया, लेकिन इतने सालों में मैं पैसों को लेकर कभी दुखी नहीं हुआ जितना YouTube पे आकर हुए। दोस्तों, अगर पैसा ना हो तो YouTube पे काम करना इतना आसान भी नहीं है। उधर घर परिवार वालों का खर्चा पानी, इधर नेट पैक डालना, गाड़ी का तेल रिचार्ज करना, कई सारे खर्चे आते हैं। कहावत है जो हमारे यहाँ पे कि जब ज़रूरत होता है कोई भी आगे नहीं मिलेगा, जब आपके पास सब कुछ होगा सभी आपका पीछे दौड़ाएगा, ऐसा हो रहा है मेरा साथ। जब मेरे साथ बहुत रुपया था, पैसा था, बहुत से दोस्त साथी थे, लेकिन अभी देखो मुसीबत के समय पे सामने कोई नहीं आता है। दोस्तों, मैंने जब 1K सब्सक्राइबर और 4000 वाचिंग आवर गेन करने के बाद सेलिब्रेशन वीडियो बनाने के लिए बार बार ट्राई किया, लेकिन वही बार बार मेरा फाइनेंशियल प्रॉब्लम, पैसे नहीं थे, जिसके कारण मैं नहीं बना पाया आज तक। उस वक्त मैंने कहीं कहीं पैसा उधार मांगे, ढूंढा दो साथियों से, रिश्तेदारों से, लेकिन कहीं से पैसा 1 रुपया भी नहीं मदद हो रहा था, जिसके कारण मैं बहुत इमोशनल हो गया था। उस समय भी खुशी भी थे, साथ साथ मैं बहुत दुखी भी थे। और कंटिन्यू वीडियो बनाने के लिए मुझे पैसा ज़रूरत थे, लेकिन पैसा जेब पे नहीं थे, क्योंकि वैसे तो मैं YouTube पे 2016 से ही मैं YouTube अकाउंट खुला हूँ, लेकिन सीरियसली काम करने के बाद मेरा अभी 1.5 साल हो रहा है। उससे पहले इतना YouTube के मामले में खास जानकारी भी नहीं था और इंटरेस्ट भी उतना नहीं था। छोटा मोटा शॉर्ट वीडियो डालते थे और या फोटो वगैरह पोस्ट करते थे, यहाँ तक कि फंक्शन वीडियो वगैरह डालते थे। लेकिन पिछले 1.5 साल से मैंने जब से इंटरेस्ट खुद सीरियसली काम करने लगा हूँ, तब से मैंने दूसरा काम, कुछ भी इनकम सोर्स नहीं थे मेरा, सिर्फ YouTube में लगा रहता था। यहाँ के लोग मुझ पर हंसते थे, ये क्या कर रहे भाई, इधर उधर पागलों की तरह करके। भीड़ों में जब मुझे देखते हैं कैमरे पे बात करते हुए तो सोचते हैं ये क्या हो रहा है। ऐसे अभी भी ऐसे बहुत से जगह पे हमारे यहाँ बहुत से लोग ऐसे हैं जो कैमरे पे बात करेंगे तो लोग हंसते हैं, ये क्या कर रहा है, पागल तो नहीं हो गया, इस टाइप का।
अभी भी बहुत से लोगों को पता नहीं है ये सोशल मीडिया के बारे में, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि तुतली मालूम नहीं है। अभी लोगों को धीरे धीरे मालूम होने लगा है। और उस वक्त मैं बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में भी थे, जो वर्ल्ड के गेन होने के बाद मुझे सेलिब्रेशन वीडियोस भी बनानी है, वो भी नहीं हो पा रहा था। इनकम कहीं से नहीं हो रहे थे, और मैं तो कंटिन्यू दिन रात यही यूट्यूब पे सोशल मीडिया पे लगा रहता था। और साथी भाई से, कहीं से रिश्तेदारों से पैसा मांगने पर भी नहीं मिलता था। ऐसे लगता था दुनिया में मेरा कोई नहीं है, सब लोग मेरा साथ देना ही छोड़ दिया है, मैं अकेलापन हो गया था। लेकिन मैंने अपने आप को बहुत संभाला। मेरे मन में यही था कि मैं एक दिन सक्सेस करके ही दिखाऊंगा दुनिया वालों को, अपने यहाँ के लोगों को किस तरह स्ट्रगल किया है। मैंने अभी सोच के बहुत घबराहट भी हो जाता है कभी कभार, इतना डेंजर स्ट्रगल किया हूँ मैंने, जो किसी ने यूट्यूबर आज तक ऐसा नहीं किया हो। कितना रिस्क में मैंने काम किया है ये यूट्यूब पे, आप नहीं समझ सकते। ये मैं ही जानता हूँ और ईश्वर जानता है। वैसे तो सब लोग कहेंगे, जो भी अभी यूट्यूबर से क्रिएटर से, कि बहुत स्ट्रगल किया हूँ, लेकिन मेरा जैसे स्ट्रगल करने वाला आज तक कोई नहीं होगा, मैं जानता हूँ। क्योंकि आप लोगों के पास सब कुछ है और सपोर्ट भी मिल रहे हैं, सब जानकारी वाले हैं बाहर के लोग। मेरा यहाँ ऐसा नहीं है, मेरा यहाँ नेटवर्क भी नहीं है आज तक, अभी तक नेटवर्क का एक टावर नहीं है। मैं कहीं से नेटवर्क का वीडियो अपलोड करने के लिए बाहर जाता हूँ, आसाम का, वहाँ से नेटवर्क जहाँ से आता है वहाँ जा कर के मैं आसाम नेटवर्क से मैं वीडियो डाउनलोड अपलोड करता हूँ। तो कभी कभार ज़्यादा भीड़ों में जाने के लिए शर्म भी लगता था कि मेरा पास तो सिर्फ ओनली एक एंड्रॉयड, और वहाँ लोग तो पूरा बड़ा बड़ा DSLR GoPro वगैरह लेकर के जाता था, देखता था, मिलता था। लेकिन मैं छोटा सा एक मोबाइल लेके एंड्रॉयड से ही मैंने काम किया। हाँ, लिया था मैंने सस्ता वाला एक छोटा वाला कैमरा लिया था, पेन कैमरा और ये प्रो वाला, लेकिन ख़राब हो गया था। इसके बाद वो गिम्बल्स थे मेरे, ख़राब हो चुका था। ओनली मेरा ये फ़ोन एंड्रॉयड जिंदा बचा था, और ये माइक ओनली, ये दोनों अभी भी है, बाकी सब ख़राब हो चुका है। अभी भी मेरे पास सिर्फ यही एंड्रॉयड है और ये एक माइक है, यही दोनों से मैं काम चला रहा हूँ। इवन मेरा जो ट्राइपॉड भी ख़राब हो गया है, वो नकली वाला था, सस्ता वाला लिया था मैंने क्योंकि पैसे नहीं थे, अभी भी नहीं है जो अच्छा क्वालिटी के मैं खरीद सकूँ। अगर मेरा जगह कोई भी होता ना, यूट्यूब पे नहीं इतना काम कर सकता है। मैं चैलेंज करता हूँ, मेरा जगह अगर कोई होता शायद क्या हो जाते। मैं डिप्रेशन में था पिछले एक सालों से, साथ साथ मैं यूट्यूब पे वीडियो भी बना रहा था। मेरा आउट इनकम एक रुपया भी, लाल पैसा अभी तक मेरा आउट इनकम नहीं है, क्योंकि पूरा सारा दिन रात मैं यूट्यूब पे लगा रहता हूँ सोशल मीडिया पे, कभी तो फेसबुक, कभी तो इंस्टाग्राम, कभी तो यूट्यूब पे, कभी तो हमेशा ये सोशल मीडिया भी लगा रहता हूँ, क्योंकि हमको व्यूज़ चाहिए था, व्यूज़। पहले तो मैंने यूट्यूब अकाउंट खोलने के साथ साथ, काम स्टार्ट करने के साथ साथ, मैंने हमारे लोगों को सबसे पहले मैंने फेसबुक पे सबको फ्रेंड लिस्ट में डाला, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा सबको, सभी ने एक्सेप्ट किया। जिसके बाद मैंने मैसेंजर क्रिएट किया, वहाँ पे ग्रुप क्रिएट करके मैंने वहाँ पे वीडियो मैसेज दिया, लिख कर मैसेज दिया कि मुझे सपोर्ट करो, और यहाँ पे जो भी यूथ है अभी जो करना चाहते हैं काम, आगे आओ, निकलो, आप लोग भी हम लोग साथ मिलकर करते हैं, चलो अपने अपने हर एक टैलेंट को शो करो। ऐसा करके मैंने किसी तरह से लोगों को मैसेज करके पहुँचाया, लेकिन कोई आगे नहीं आया, सिर्फ 3-4 लोग ही आए थे जो अभी भी है। वो लोग का भी चैनल है, वो काम कर रहे हैं अभी भी अपना अपना चैनल में, बाकी चुप थे। लेकिन हाँ, आजकल बहुत से लोग अभी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है बिल्कुल ही नहीं किया है, कर रहे हैं लोग अभी। खास करके हमारा वांचनों, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, जो आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, सपोर्ट किया। अभी नहीं तो मैं आज तक यहाँ तक नहीं पहुँचना था कि अभी मेरा 2K पार हो रहा है। और मैंने व्यूज़ और ये सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए पहले मैंने
टेलीग्राम पे, फेसबुक पे बाहर के लोगों से चैट किया, वहाँ से भी मैंने 100-200 से भी ज़्यादा लोगों को मैंने एक्सचेंज किया, सब फॉर सब एक दूसरे का एक्सचेंज करके सब किया। इसे करके मैंने बहुत सारा सब्सक्राइब गेन किया है। अभी तो चिंता नहीं है, अभी तो बहुत से लोग हमारे यहाँ के वांचोनु पूरे जान गए हैं। अभी धीरे धीरे लोग पूरा सपोर्ट दे रहे हैं मुझे। अभी तो उल्टा मैं खुद ही अभी निकल नहीं पा रहा हूँ, लोग अभी मुझे वेलकम कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन मैं अभी काम के लिए मैं ही नहीं जा पा रहा हूँ कि मेरा फाइनेंशियल प्रॉब्लम वही सेम, क्योंकि अभी तक मुझे अभी 2 साल होने को जा रहा है, कोई इनकम सोर्स नहीं है, सारा दिन रात ये यूट्यूब पर लगा रहता हूँ। अभी यूट्यूब कंपनी से मेरा अर्निंग स्टार्ट नहीं हुआ है, हो रहा है धीरे धीरे, अभी डॉलर में अभी धीरे धीरे ऐड हो रहा है मेरे अकाउंट में भी, लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ है, जिस कारण अभी पे नहीं हो पाएगा। जो डॉलर का भी एक सिस्टम होता है, लिमिट होता है जिसके बाद हम ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन अभी मेरा पूरा नहीं हुआ है, इस जिसके लिए अभी पूरा व्यूज होना पड़ेगा, ज़्यादा जितना वायरल होगा उतना ही डॉलर बनेगा, ऐसा है। और आज मैंने सिर्फ 1K सब्सक्राइबर, 4000 वॉचिंग आवर्स कैसा मिला और मोनेटाइजिंग कैसा हुआ, ये सिर्फ 2 पॉइंट को लेकर हम वीडियो बना रहे हैं। बाकी मैं यूट्यूब पे कैसे आया, कब से आया, क्यों आया, ये सब वीडियोस हम बाद में हम फिर नेक्स्ट वीडियो पे लाएंगे। मेरा जो है ना अंदर में पूरा डिप्रेशन है हमेशा, अभी 2 साल हो गया मेरा डिप्रेशन है मेरा, इस कारण से मेरा वीडियो कंटेंट अच्छा नहीं होता है, मेरा लैंग्वेज परफेक्ट नहीं हो पाता है, सारा प्रॉब्लम इसी का वजह से है मेरा ना। जब भी कभी भी वीडियो मैंने अच्छा से नहीं बना पाया है कि मेरा मन में हमेशा डिप्रेशन, दुखी, इमोशनल, सारा पूरा ढोस ढोस के है मेरा मन में, इसलिए अच्छा से वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। 1K सब 4000 आवर्स और चैनल मोनेटाइजिंग होने तक जितना भी मैंने वीडियोस बनाया है ना, कोई भी वीडियो मैंने परफेक्टली नहीं बनाया, क्योंकि मेरा डिप्रेशन में था, कोई भी ऐसा दिन नहीं था कि मेरा खुशी से बिता हो। हर एक वीडियो का जो भी बनाया है मैंने पूरा डिप्रेशन के साथ बनाया है, इसलिए मेरा कहीं ना कहीं वीडियो पे क्वालिटी पे डिफेक्ट आया, कहीं पे वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है, कहीं पे लैंग्वेज परफेक्ट नहीं था, कोई ना कोई प्रॉब्लम था हर एक वीडियो पे है, क्योंकि मैं डिप्रेशन में था, बहुत दुखी में था मैं, लेकिन फिर भी मैंने बनाया, क्योंकि मैं फैमिली वाला हूँ। बीवी आया अचानक से एक
सब्सक्राइबर्स पूरा होने के बाद